ये बर्फ से लदे हुए पहाड़ और इन पहाड़ों के ऊपर खुला आसमान और इन दोनों के बीच में हम घूमते घूमते आप लोगों के साथ पहुंच चुके थे धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला गुलमर्ग। इन गुलमर्ग की घाटियों में आने के बाद बर्फ की सफ़ेद चादरों को देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जब हम इन जगहों पे पहुँचे तो हमारी भी हालत वही हुई थी जो किसी आम इंसान की एक कड़ाके की ठंड में हालत ख़राब होती है। माइनस में टेम्परेचर होने के बावजूद भी हमें ठंडी का एहसास कम और खुशी का एहसास काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घूम लेना चाहते थे, इस पूरे गुलमर्ग को अपनी नज़रों में बैठा लेना चाहते थे। गुलमर्ग में आने के बाद आप बर्फ़ के साथ जी भर के खेल सकते हैं, क्योंकि ये बर्फ़ रुई की तरह होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। इनके साथ खेलने में मज़ा आता है, लोग इसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज़ भी मिल जाती हैं। जैसे ये लोग स्कीइंग कर रहे थे, एक तरह से होता है ना, पैरों में पहन के बर्फ़ पे फिसलते हुए चला जाता है, तो जो लोग खुद से नहीं चल पाते हैं वो लोग केबल के सहारे फिसलते हुए आते हैं। ऐसी सुविधा यहाँ पे बनाई गई है, आप टिकट खरीद के आराम से घूम सकते हैं। अगली वीडियो में आप लोगों को पूरा गुलमर्ग घुमाऊंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे का पूरा वीडियो देखने के लिए।